अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम साकिब है और मैं सादिकाबाद से पैदल यहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए आता हूँ, बिलखसूस असर की, क्योंकि इस मस्जिद की तारीख ये है जो बेसिक चीज़ है। उस वक्त मुसलमान पिंडी में बहुत कम थे और इंतहाई गरीब थे। पिंडी की औरतों को ये कहा गया कि एक मुठ आटा, यानी एक मुठ्ठी आटा आपने निकालना है आटा गूंथते वक्त, और इसको रख देना है। और उस वक्त इंतहाई दयानतदार लोग उन्हें कलेक्ट करते थे और फिर वो पैसा जमा होता था। गुजर खान की एक काजी फैमिली है, एक पिंडी की फैमिली है, पेशावर के एक बुज़ुर्ग थे जो बुनियादी, जिनके पास थोड़ा थोड़ा पैसा था, क्योंकि ये रकबा ज़्यादा था मुकाबले में, हिंदू भी था इसको ना ख़रीदारी में, जब इसकी ख़रीदारी हुई। ये 1894 का वाक़ है, 1896 में इसकी तामीर शुरू हुई और तकरीबन 1902 में ये तकमील के मराइल तय करके यहाँ तक। इस मस्जिद में एक रूहानी जो सुरूर मिलता है, उसकी बेसिक वजह ये है कि इसकी बुनियादों से लेकर तकमील तक इसमें जो पैसा खर्च हुआ है वो प्योर अलाल मनी था, क्योंकि उस वक्त मुसलमानों के पास प्योर अलाल मनी थी। आज का जिस तरह के ज़राए हैं उस तरह के नहीं थे, तो इसलिए इस मस्जिद में एक रूहानी सुकून भी मिलता है। और मैं पैदल सादिकाबाद से 3 किलोमीटर के लिए सिर्फ इस रूहानी, वो जो एक तस्कीन है, उसके लिए यहाँ आता हूँ, फिर वापस जाता हूँ। शुक्रिया।